अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं आपको आले नबी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं नाज़रीन आपके लिए सूजी का टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने ये एक छन्ना सूजी का लिया है और ये नारियल मैंने छोटा छोटा क्रश करके रख लिया, और ये चीनी है और ये ऑयल है, और ये पानी इसमें डालेंगे। ट्रे में को मैंने ग्रीस करके नारियल नीचे रख दिया है इसके। तो चले फिर शुरू करते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई गर्म हो गई। अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और सूजी को शामिल करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसे हल्की आंच पे 6-7 मिनट इसकी बनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब ये हो चुकी है, अब इसे उतार देंगे। अब इसका शीरा अलग से तैयार करेंगे। पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चीनी को हमने खाली मेल्ट करना है। शीरा तैयार है। अब इसे इसमें सूजी में शामिल करेंगे। इसे शामिल करेंगे। हल्की आंच पे ऑन किया है हमने, बिल्कुल हल्की आंच पे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें। फिर थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल करेंगे जो हमने रखा था। ये देखें नाजरीन, ये हो चुका है। इसने बर्तन को छोड़ दिया है। ये देखें, ये मुकम्मल तैयार हो चुका है बर्तन। इसने बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब फ्लेम को ऑन करके ऑफ करके इसे डिश आउट करेंगे। अब इसे इसमें डालेंगे। इसे हमने सेट कर लिया है। अब नारियल इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा। आप इससे बादाम, जो कुछ मर्जी, मूंगफली, काजू वगैरह डाल सकते हैं इसके ऊपर। चलिए अब इसे बाहर रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में। बाकी बाद में बर्फ़ाने खाने में रखेंगे थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए तकरीबन। ये देखें नाज़रीन, हमारा टुकड़ी हलवा जो अच्छे तरह से जम चुका है। अब इसके टुकड़े करेंगे। इसे तकरीबन मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखा है बर्फ़ लगाने में। ऐसे इसके टुकड़े करेंगे छोटे छोटे ऐसे। Thank you.
ये देखें नाजरीन, टुकड़ी हलवा कितना प्यारा बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़े का है, ये देखें। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े का है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, सूजी का टुकड़ी हलवा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।